कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर अब विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। गुरुवार को 10 विपक्षी दलों के 15 नेता किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। यहां प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रोका। पुलिस ने नेताओं को किसानों से नहीं मिलने दिया। इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं को वापस लौटना पड़ा। पुलिस विपक्षी दलों के नेताओं को वहां से दूसरी जगह ले गई। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कील कांटों की कतारें ढीली करनी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा, यानी अब ये साफ नहीं है कि गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कम की जाएगी या नहीं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुलिस का कहना है कि हम गाजीपुर से कील हटा नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ जगहों पर पब्लिक जो आने जाने वाली है उसे परेशानी ना हो, इसलिए हम कील की रिपोजिशनिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 70 दिन से ज्यादा हो गया है जब किसान कानून वापसी को लेकर अड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में हरियाणा के जिन जिले में बुधवार को किसान महापंचायत हुई, इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे, अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ही बातचीत के लिए आगे आना होगा। न्यूज डेस्क।